जल प्रकृति को इस संसार की सबसे अनूठी देन है। वो महासागर में भी मिलता है और मीठे तालाब में, वो पवित्र गंगा में भी होता है और दुर्गंध आती नाली में भी। हम तालाब और नदी को सम्मान इसलिए देते हैं क्योंकि उसका मीठा जल हमारी प्यास बुझाता है, परंतु सागर का जल पीने योग्य नहीं होता, इसीलिए कभी कभी हम उसे उतना महत्व नहीं देते और नाली के जल को हम हे दृष्टि से देखते हैं। तो क्या ये उचित है? हमारे संबंध भी इसी जल की भांति होते हैं। जिस संबंध से हमें लाभ ना, उससे हम दूर हो जाते हैं। कभी ईर्ष्या के कारण, कभी अहंकार के कारण उस संबंध को तोड़ देते हैं। तो क्या संबंध को तोड़ देना उचित है? तनिक विचार कीजिए। माना कि सागर का जल फसल नहीं दे सकता, परंतु मोती तो देता है। माना कि नाली का गंदा जल हमें किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त ना लगे, परंतु वो भी कहीं लगी अग्नि को बुझा सकता है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक संबंध कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति में उपयोगी हो सकता है।